हेलो नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका स्वागत है। आत्मचिंतन के क्षण। धैर्य का मंत्र उनके लिए लाभदायक है जिनके कार्यों में विघ्न बाधाएं उपस्थित होती है और वे निराश होकर अपने विचार को ही बदल डालते हैं। यह निराशा तो मनुष्य के लिए मृत्यु के समनी मृत्यु के समान है। उससे जीवन की धारा का प्रवाह मंद पड़ा जाता है और वह किसी काम की नहीं रहता। यदि निराशा को त्याग कर विघ्नों को धैर्य पूर्वक सामना किया जाए तो असफलता का मुख नहीं देखना पड़े। जो लोग प्रत्यक्ष में पूर्णात्मा दिखा देते हैं वे भी बड़ी बड़ी विपत्तियों में फंसते देखे गए हैं। सतयुग में भी विपत्ति के अवसर आते रहते थे। यह कौन जानता है कि किसी मनुष्य पर किस समय कौन विपत्ति आ पड़े। इसलिए दूसरों की विपत्ति में सहायक होना ही कर्तव्य है। यदि कोई सहायता करने में किसी कारणवश समर्थ न हो तो भी विपत्ति ग्रस्त के प्रति सहानुभूति तो होनी चाहिए। विचारों का परिष्कार एवं प्रसार करने आप मनुष्य से महान मनुष्य, दिव्य मनुष्य और यहाँ तक ईश्वरी तत्व तक प्राप्त कर सकते हैं। इस उपलब्धि में आए आने के लिए कोई अवरोध संसार में नहीं। यदि कोई अवरोध हो सकता है तो वह स्वयं का आलस्य, प्रमाद, असमय अथवा आत्म अवज्ञा का भाव। इस अनंत शक्ति का द्वारा सबके लिए समान रूप से खुला है। कोई वह परमात्मा का पुण्य पद सबके लिए प्रशस्त है। अब कोई उस पर चले या न चले यह उसकी अपनी इच्छा पर निर्भर है। कठिनाई को उनसे दूर भागकर, दबड़ाकर दूर नहीं किया जा सकता। उनका खुलकर सामना करना ही बचने का सरल रास्ता है। प्रशंसा के साथ कठिनाइयों का वर्णन करना आंतरिक मानसिक शक्तियों के विकसित होने का राजमार्ग है। संसार के अधिकांश मनुष्य महापुरुष ने कठिनाइयों का स्वागत करने की जीवन में महानता प्राप्त की है। परिश्री राम शर्मा आचार्य, जय गुरुदेव।